दोस्तों स्वागत है आप सभी का संस्कार चैनल मंगेश के एक नए वीडियो में। और दोस्तों आज के मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि अपने जियो की पैड फोन में जीमेल आईडी कैसे बनाते हैं और यूट्यूब एप्लीकेशन में साइन इन कैसे करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं किसी दूसरे एप्लीकेशन से नहीं बताने वाला हूँ, यूट्यूब एप्लीकेशन से ही बताने वाला हूँ, जो आपके फोन में यूट्यूब एप्लीकेशन है उसी से। अगर आपके फोन में यूट्यूब एप्लीकेशन नहीं है तो ये भी बताऊंगा कि कैसे उसे अपने फोन में डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि हम अपने यूट्यूब पर किसी भी वीडियो को देखते हैं, जियो की पैड फोन में यूट्यूब पर किसी भी वीडियो को देखते हैं, अगर उस वीडियो को हमें लाइक करना होता है या उस वीडियो को डिसलाइक करना होता है या उस चैनल को हमें सब्सक्राइब करना होता है या उस वीडियो पे हमें कुछ भी कमेंट करना होता है तो हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा वहां पर जीमेल आईडी साइनिंग नहीं होता है। तो दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को नया जीमेल आईडी क्रिएट करके बताऊंगा, यानी कि नया जीमेल आईडी बनाकर बताऊंगा और यूट्यूब एप्लीकेशन में साइनिंग करके बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करके बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों मैं अपना जियो की पैड फोन लेता हूँ और आपको बता देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मेरा नाम है मंगेश कुमार, स्वागत है आप सभी का संस्कार चैनल मंगेश की एक नए वीडियो में। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों ये मेरा जियो का कीपैड फ़ोन है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने जियो कीपैड फ़ोन में यूट्यूब एप्लीकेशन को डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना है। ऐसे तो डाउनलोड इंस्टॉल होगा, अगर नहीं है तो आप जियो स्टोर से बड़े ही आसानी से डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको पहले डाउनलोड इंस्टॉल करके ही बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में जियो स्टोर को ओपन करना है। तो चलिए हम जियो स्टोर को ओपन करते हैं। आपको ये बीच वाला बटन दबाना है, माइक वाला जो है बटन, माइक वाले बटन को आपको दबा देना है। ले जाना है जियो स्टोर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं यही है जियो स्टोर, आपके भी फ़ोन में जियो स्टोर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यही जियो स्टोर है, तो आपके भी फ़ोन में होगा, तो इसी में ला देना है। आपको जियो स्टोर में आपको चलना है, जियो स्टोर में लाकर दबा देना है और आपको यहाँ पर लोडिंग होगा, कुछ समय लगेगा। और यहाँ पर आपको यूट्यूब ढूंढ लेना है, इस तरह से नीचे करके आपको यूट्यूब ढूंढ लेना है। तो चलिए हम यूट्यूब को ढूंढ लेते हैं। आपको यूट्यूब ढूंढ लेना है, इस तरह से यूट्यूब आपको ढूंढ लेना है और आपको यूट्यूब पर ला देना है और बीच वाले बटन को दबा देना है। तो चलिए हम बीच वाले बटन को दबाते हैं और यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे कि मेरा ओपन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको इंस्टॉल लिखा हुआ मिल जाएगा। तो बीच वाले बटन को दबा देना है और वो डाउनलोड इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद ओपन का बटन आपको आ जाएगा। अगर अपडेट का भी बटन है तो बीच वाले बटन को दबाकर अपडेट कर लीजिए। और दोस्तों उसके बाद आपको बाहर आ जाना है और यहाँ से यूट्यूब को ढूंढ लेना है आपके फ़ोन में। वहाँ से भी यूट्यूब एप्लीकेशन को आप ओपन कर सकते थे या यहाँ से भी आप ढूंढ लीजिए यूट्यूब एप्लीकेशन को। तो चलिए मैं YouTube एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, यानी कि YouTube पे लाकर आपको बीच वाले बटन को दबा देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से आ जाएगा YouTube और उसके बाद ये ऊपर वाले बटन को आपको दबाना है, ऊपर वाले, तो ऊपर वाले को दबाइए। ऊपर वाले को दबाने के बाद यहाँ पर YouTube पे आ जाएगा और ये साइड वाले बटन को दबाना है, इस तरह से साइड वाले बटन को, और यहाँ पर दो बार दबाना है। और यहाँ पर ये जो आदमी का सिंपल आपको दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा पब्लिक का सिंपल, इसी पर लाकर बीच वाले बटन को दबा देना है। उसके बाद इसे नीचे की तरफ लाना है, नीचे वाले बटन को दबाकर इस तरह से साइनिंग वाले बटन पर लाकर बीच वाले बटन को दबा देना है, साइनिंग वाले बटन पर लाकर बीच वाले बटन को दबा देना है, साइनिंग वाले बटन पर लाकर इस तरह से कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने आ जाएगा, साइनिंग वाले बटन पे दबा दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास पहले से कोई जीमेल आईडी होगा तो आप यहाँ पर डालकर नेक्स्ट कर दीजिएगा, तो वो आपका वो खुल जाएगा पासवर्ड डाल देने के बाद। यहाँ पर नया बनाना है, तो नया बनाने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि नया क्रिएट अकाउंट पर लाना होगा। तो यहाँ पर इसमें आपका ये चला हुआ गया होगा लिखने वाला, तो इससे बाहर निकालने के लिए आपका तीर इसमें लिखने वाले में चला गया होगा। तो लिखने वाले में जो तीर आपका चला गया है, तो इससे बाहर निकलने के लिए ये जियो जो लिखा हुआ है ए बटन को आपको दबाना है, जिससे आप बाहर आ जाइएगा। जैसे कि हम जियो लिखा हुआ है, ए बटन दबाए तो बाहर आ गए। उसके बाद जियो वाले बटन को दबाए तो आप बाहर आ गए। और यहाँ पर आपको लाना है क्रिएट अकाउंट में। तो चलिए हम क्रिएट अकाउंट में लाते हैं, क्रिएट अकाउंट में इस तीर को, क्रिएट अकाउंट में नया हमें बनाना है। क्रिएट अकाउंट पे लाकर बीच वाले बटन को दबा देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह से खुल कर आ जाता है। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है। जैसे कि मैं फर्स्ट नेम में जिनके नाम से मैं बनाना चाहता हूँ उनका फर्स्ट नेम लिख देता हूँ। जैसे कि हम फर्स्ट नेम में लिख दिए हैं और उसके बाद इसमें आपका तीर है, तो इसे निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए जियो लिखा हुआ है, इस बटन को दबाना है, जिससे बाहर निकल जाएगा आपका तीर। जैसे कि दबाए तो बाहर आ गया। और यहाँ पर लास्ट नेम पर लाकर बीच वाले बटन को दबा देना है और यहाँ से जो भी लास्ट नेम में आप लिखना चाहते हैं, जैसे कि नीतीश कुमार मैं लिख देता हूँ, ठीक है। फिर इससे बाहर निकलना है तीर को, तो ये जियो वाले बटन को दबाना है, बाहर निकल गया। और इसे ला देना है इस तीर को नेक्स्ट पे, ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पे आपको ला देना है। तो जैसे कि हम नेक्स्ट पर ला दिए और बीच वाले बटन को दबा देते हैं।
उसके बाद यहाँ पर कह रहा है डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आप अपना जन्मतिथि, तो ये जिनके नाम से आप बनाना चाहते हैं उनका जन्मतिथि यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ से जन्मतिथि सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ से जन्मतिथि में मैं हम जनवरी सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पर जनवरी पर लाकर उसके बाद डे में लाते हैं, और डे में लाकर जो भी आपको सेलेक्ट करना है उसे कर लीजिए। यहाँ पर इसमें तीर है तो इसे बाहर निकालने के लिए जीओ वाले बटन को दबाना है। उसके बाद आपको नीचे लाना है और ईयर में लाकर जो भी उनकी जन्मतिथि का साल हो उसे आपको लिख देना है। उसके बाद तीर को बाहर निकालने के लिए जीओ वाले बटन को दबाना है और यहाँ पर नेक्स्ट पर ला देना है तीर को। चलिए नेक्स्ट पर ला कर दबा देना है बीच वाले बटन को। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है मोबाइल नंबर डालिए, आप वही मोबाइल नंबर डाल सकते हैं जो आपके इस फ़ोन में लगा हो, उसे भी डाल सकते हैं या दूसरा भी डाल सकते हैं। तो मैं दूसरा नंबर डालकर बताने वाला हूँ आप लोगों को, तो मैं यहाँ पर दूसरा एक नंबर डाल लेता हूँ और उसके बाद इस डन वाले बटन को आपको दबा देना है और नीचे लाना है और यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर दबा देना है आपको। या आप जीमेल आईडी का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर का यूज नहीं करना चाहते हैं तो। और ये नंबर होगा उस पर जाएगा वेरिफिकेशन कोड, उसे आपको यहाँ पर डालना होगा। दोस्तों हम कोड को डाल दिए हैं, अगर इसी में लगा होता वो आपका सिम कार्ड तो शायद ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेता, मेरा इसमें नहीं लगा था और दूसरे फ़ोन में लगा था तो वहाँ से हम देख कर डाल दिए हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से बाहर निकालने के लिए तीर को ये जियो वाले बटन को दबाना है और तीर को नेक्स्ट पर ला कर आपको बीच वाले बटन को दबा देना है। उसके बाद ये आपका वेरीफाई कर लेगा। वेरीफाई कर लेने के बाद यहाँ पर कर रहा है एक अपना पासवर्ड आप चूज़ कर लीजिए जिससे आपका जीमेल आईडी सुरक्षित हो जाए। तो यहाँ पर मैं एक पासवर्ड डाल लेता हूँ, जो भी आपको पासवर्ड डालना है उसे डाल लीजिए। पर हम एक अपना पासवर्ड डाल लिए, उसके बाद यहाँ से तीर को बाहर निकालने के लिए ए बटन को दबाना है। यहाँ पर लाकर आप कर दीजिएगा तो ये आपका शो नहीं होगा, यानी कि अभी दिखाई नहीं देगा। तो हमारा पासवर्ड हम डाल दिए, उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर दबा देते हैं, हमारा पासवर्ड बन जाएगा। नेक्स्ट वाले बटन पर दबाएं, हमारा ये पासवर्ड बन गया। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपका जीमेल आईडी जो कि ऑटोमेटिक ली लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप यह नहीं चाहते हैं, जैसे कि मेरा ये जीमेल आईडी दिखाई दे रहा है, गूगल की तरफ से बताया जा रहा है कि इनके इतना आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए कि एडिट योर जीमेल एड्रेस लिखा हुआ है, इस पर लाकर तीर को दबाकर एडिट कर सकते हैं और दूसरा आप चूज़ कर सकते हैं। अगर इसी को करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे आइएगा तो नेक्स्ट आपको मिल जाएगा, तो नेक्स्ट वाले पर लाकर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका यहीं जीमेल आईडी है जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको। जैसे कि मेरा NK8323 ये कुछ दिखाई दे रहा है @gmail.com यहीं रहेगा, या यहाँ पर एडिट योर जीमेल एड्रेस लिखा हुआ है इस पर हम दबाते हैं। इस पर दबाने के बाद यहाँ से हम देखिए यहाँ पर लाते हैं इस घेरे में और क्रिएट योर ऑन जीमेल एड्रेस लिखा हुआ है इस पर लाकर दबा देते हैं, तो यहाँ से हम एक नया जीमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ NK, अगर वहीं रखना चाहते हैं तो नीचे जाकर आप दबा दीजिएगा तो आपका वहीं हो जाएगा। और मैं बताने के लिए आपको कर रहा हूँ तो NK हम लिख दिए और यहाँ पर हम कोई अंक भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको स्पेस नहीं देना पड़ता है, यानी कि एक बार आगे आपको बढ़ाना नहीं पड़ता है। यहाँ पर आप हिंदी में नहीं लिख सकते हैं, याद रखिएगा आप हिंदी में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम डाल दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर बाहर निकलने के लिए डन वाले बटन को दबाना है और यहाँ पर आपको ला देना है। जियो वाले बटन को दबा देने के बाद इस तीर को नेक्स्ट पर अब आपको लाना है, तो चलिए हम नेक्स्ट पर ले जाते हैं और यहाँ पर डन वाले बटन पर दबाते हैं। यहाँ पर हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा NK8219182341 आ चुका है। और यहाँ पर नीचे आकर हम डन वाले नेक्स्ट वाले बटन पर दबा देंगे, नेक्स्ट वाले बटन पर दबा देंगे। आप फिर से नहीं चाहते हैं तो एडिट योर जीमेल एड्रेस पर क्लिक करके आप इसे भी चेंज कर सकते हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा है तो। यहाँ पर ऐसा आपको डालना पड़ता है जो कि पहले से कोई यूज नहीं किया हो, तो नेक्स्ट वाले बटन पर हम आकर दबा देते हैं। नेक्स्ट वाले बटन पर जैसे ही दबा देते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह से आता है, ये गूगल का टर्म ऑफ सर्विस है, कंडीशन है। उसके बाद नीचे आपको लाना है और ये सब पढ़ लीजिए। उसके बाद नीचे आकर ये सब पढ़ लेने के बाद आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। और यहाँ पर आकर आई एग्री वाले बटन पर दबा देना है। आई एग्री वाले बटन पर जैसे ही दबाते हैं और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका यह जीमेल आईडी साइनिंग हो गया। अब यहाँ पर
हम इसे यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, ये बटन को दबाकर हम कैंसिल कर सकते हैं। तो चलिए हम इस बटन को कैंसिल किए, बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर फिर से हम यूट्यूब आपको ओपन करके बताते हैं। यूट्यूब एप्लीकेशन को हम ओपन किए, ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारा जीमेल आईडी यहाँ पर आप देख सकते हैं साइनिंग हो गया है। पहले यहाँ पर आदमी का सिंपल था, यहाँ पर एन आ गया है। अब यहाँ से हम किसी भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए जैसे कि मैं बोलकर आपको बता देता हूँ, संस्कार चैनल मंगेश, मैं अपने ही चैनल को आपको सब्सक्राइब करके बता देता हूँ। जैसे कि मेरा चैनल है, यहाँ से मैं एक वीडियो को ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से लाइक कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लाइक हो रहा है, तो मेरा लाइक भी हो गया, इस तरह से आ गया है। तो ये जी रेड वाला बटन है, इसे दबाकर हम सीधा कर लेते हैं, रूट हो गया है। तो और यहाँ से हमारा लाइक हो गया, पहले हम वीडियो को पुश करते हैं, रुकते हैं यहीं पे। इस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से बड़े ही आसानी से डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन की एक खासियत है, जैसे कि आप कोई भी बिजनेस करते हैं या दोस्तों आपके पास कोई दुकान है और दोस्तों आप किसी से कितना भी रुपया एडवांस लेते हैं या दोस्तों आप उसको कितना रुपया उधार दिए हैं, तो यहाँ पर हम वीडियो को रोक दिए, नीचे आते हैं। यहाँ पर हम नीचे आते हैं तो यहाँ से वीडियो को लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। नीचे आते हैं तो यहाँ से देखिए, हम सब्सक्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाने के लिए यहाँ पर ये जो एरो दिखाई दे रहा है, इस पर हमें दबाना होगा ले जाकर तीर को। तो चलिए हम इस पर ले जाते हैं, यहाँ पर इस तीर पर दबाते हैं। यहाँ पर हमारा सब्सक्राइब का बटन आ चुका है, यहाँ से हम इसे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्सक्राइब पे लाकर बीच वाले बटन को दबा देना है। हमारा सब्सक्राइब हो गया, दो बार दबा दिए थे, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो गया। हम नीचे जाकर कुछ भी कमेंट भी अब यहाँ पर कर सकते हैं जाना है। और यहाँ पर कमेंट करने के लिए मेरा 11 ही कमेंट आया है अभी तक, तो कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ वीडियो को डाले हुए। आज ये वीडियो डाले थे तो 12 कमेंट, 11 कमेंट बहुत हो गया। और कमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको तीर को लाना है, इस एरो पे साइड में आपको इस पर ला देना है तीर को, दबा देना है। और यहाँ से जो भी आप लिखना चाहते हैं उसे लिख सकते हैं, भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे आए पहली बार तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिएगा, जिससे हम कोई भी अगला नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप वीडियो काफ़ी समय पर देख पाइएगा। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। बाय बाय।